अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो आज आपकी आपके लिए एक अलग तरीका लेके आया फोटो एडिटिंग का, फोटोग्राफी का, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और जिससे पिक बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाली है। तो जो भी मेरे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए करें यार। और क्योंकि मैं तो भाई क्या के थक गया हूँ, आप करते नहीं सब्सक्राइब ना, आप बेल आइकन पर प्रेस करते हैं, व्यूज़ आते नहीं, आप वीडियो देखते नहीं, आपके लिए हम बना बना के थक जाते हैं। तो काइंडली इस बार आपने ज़रूर आप वीडियो को वॉच भी करना है शुरू से एंड तक और चैनल भी सब्सक्राइब करना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने अपनी पिक को स्नैपसीड ऐप में इंपोर्ट कर देना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें, पिक स्नैपसीड में आ गई। उसके बाद आपने नीचे टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सिलेक्टिव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और आपने कोई एरिया सेलेक्ट करके, आपका जहाँ पे डार्क एरिया इस तरह सेलेक्ट करके और इस तरह नीचे दोबारा प्लस के आइकन पे क्लिक करें, दोबारा सेलेक्ट करें, इसे थोड़ी लाइट इसकी एडजस्ट करें, फिर प्लस के आइकन पे क्लिक करें और इस तरह आप जहाँ जहाँ आपको डार्क एरियाज नज़र आएँ वहाँ पर आप इसे लाइट दे के मैनेज कर दें। तो मैं कर लेता हूँ, आपने इस तरह कर लेना है। इस तरह करने के बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपने करना क्या है, दोबारा से टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिटेल इसकी आपने कम कर देनी है इस तरह से, कुछ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करनी, पिक ज़्यादा बुरी हो जाती है। इस तरह डिटेल कम कर देना है। दोबारा डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने टून इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसका एम्बियंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरह से कुछ, और इसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी आप एडजस्ट कर लें, और शेडो बहुत ज़रूरी है जो, उसे आप इस तरह थोड़ा एडजस्ट कर लें। ऐसा करने के बाद आपने डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऊपर इस वाले ऑप्शन से आपने पिक को शेयर कर देना है और लाइट रूम में लेके जाना है। तो लाइट रूम में इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपने नीचे कलर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने, आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, कलर के ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने मिक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग नज़र आती है, ये वाली आप देख लें। इस पर आप बारी बारी आप फर्स्ट वाले टूल को पहले कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लें, फिर सेकंड वाले पे क्लिक करके लुमिनेंस इसकी बढ़ा दें और इसका थोड़ा सा सेचुरेशन इसकी कम कर दें। और इस तरह आप ब्लू को, जिस तरह अगर आपकी पिक में जो कलर आपकी पिक में है, इसमें तो बस ज़्यादा नहीं है, बस यही एक दो कलर देखने वाले थे। आपकी पिक में अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपने ऊपर शेयर के ऑप्शन, पहले आप यहाँ से डन कर लें यहाँ से, और उसके बाद आप ऊपर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें और इसे शेयर टू करके स्केच बुक में लेके जाएँ। तो स्केचबुक में इंपोर्ट करने के बाद आपने सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये ब्रश का यहाँ से आपको टूल एक सेलेक्ट करना है, ये वाला ब्रश आपने, ये सेटिंग और ये वाला ब्रश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी सेटिंग देखनी है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी 3 पे कर दें और फ्लो भी 3 पे कर दें। अगर आपको मसला कर रहा हो तो आप फ्लो भी कम कर लें, स्ट्रेंथ भी कम कर लें, और अगर मुश्किल हो रही हो, पिक का रिजल्ट अच्छा हो, तो फिर आप इन्हें बढ़ा लें। ये वाली सेटिंग रख लेनी है और साइज़ का आपने एडजस्ट करते रहना है। तो इसे आपने सबसे पहले जूम करके इसे आपने स्मूथ कर लेना है। मैं स्मूथ कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह स्मूथ करने के बाद आपने दोबारा से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। आपने सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने इस वाले टूल को सेलेक्ट कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर कट लगा लेना है। इस तरह से आपने कुछ, आपको दिखा देता हूँ, इस तरह आपने लगा लेना है और जो एरिया रहेगा उसे सिलेक्ट करके आप इस तरह से कुछ, और दोबारा से आप ब्रश सेलेक्ट करके इसको ज़रा इसकी बेड का कट लगा लें। तो इस तरह करने के बाद आपने ऊपर इस कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो एरिया थोड़ा बहुत यहाँ से रह गया वो आपने इसे मैनेज कर देना है। तो इस तरह करने के बाद आपने दोबारा ऊपर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने दोबारा से ब्रश सेलेक्ट करना है। इस वाले ऑप्शन से आप ब्रश सेलेक्ट कर लें, सॉरी, इस वाले ऑप्शन से ब्रश सेलेक्ट कर लें। आपने यहाँ से
ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी सेटिंग देख लेनी है। कुछ इस तरह से आपने इसकी सेटिंग रख लेनी है। ये रखने के बाद सॉरी आपने सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग रख लेनी है और उसके बाद आपने अपनी सॉरी आपने इस तरह जूम करके यहाँ पे कुछ लेंस वगैरह लगा लेने हैं। तो इस तरह लगाने के बाद आपने दोबारा ऊपर लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है उसी पे, और यहाँ पे जो नीचे लेयर एक बनी है ये वाली आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी जो है वो इस तरह से कुछ कम कर देनी है, किसी हद तक मैं कम कर देता हूँ। कम करने के बाद आपने करना क्या है, इसे ऊपर सॉरी इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सेव टू डिवाइस पिक को कर लेना है। सेव करने के बाद आपकी पिक आपकी गैलरी में आ जाती है। गैलरी से आपने दोबारा लाइट रूम ऐप में इसे इंपोर्ट कर लेना है। दोबारा आपके पास इस तरह का व्यू आता है तो यहाँ पे हमने एक प्रीसेट लगाना है। प्रीसेट आपको कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, आपको सब पता है, पहले मैं बता चुका हूँ आपको काफ़ी बार। और अगर किसी को नहीं पता तो प्रीसेट बाय करने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, जो कि अगर आप मुझसे लेना चाहें तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, जितने प्रीसेट लेना चाहें आप ले सकते हैं। और 500 रुपीज़ इनकी प्राइस होती है, हम इन्हें बहुत महंगा लेते हैं लेकिन आगे क्योंकि हम सेल करते हैं इसलिए हम कम कीमत पे इसे सेल कर देते हैं। तो 500 फाइनल आपको ये मिल जाएंगे जिस भाई ने लेने हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक भी एडिट करनी है आपकी मर्ज़ी, अगर आपने प्रीसेट के साथ एडिट करनी है तो आपने प्रीसेट पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोई भी प्रीसेट लगा के पहले से चेक कर लेना है ये किस तरह आपकी किस प्रीसेट पे पिक ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जिस पे आपको ज़्यादा मुनासिब लगे, तो जैसे ये अच्छी लग रही है तो इसके बाद आपने ऊपर डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने शेयर के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है। शेयर टू करके इसे टूल विज ऐप में ओपन कर लेना है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। टूल विज ऐप में ये ओपन हो जाएगी तो इस तरह इंपोर्ट हो जाएगी। तो आपने नीचे इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ सॉफ्ट स्मज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे अमाउंट नजर आती है, जिस अमाउंट तक आप पिक को एडिट करना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे मास्क ऑप्शन आपको नजर आता है, इस पर आप क्लिक कर लें। मास्क ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने जूम करके इसे कुछ इरेज़ कर लेना है, जिन पार्ट से आप इसे इरेज़ करना चाहें आप इरेज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह जूम करके, और कुछ इस तरह आप इसे इरेज़ कर लें। इसके बाद आपने ऊपर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने ऊपर सेव का ऑप्शन, आपको शेयर का ऑप्शन नजर आता है सेव का, इस पर आपने क्लिक करने के बाद अपनी पिक को सेव कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।